हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम लोग बनाएंगे इग्लू की ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इग्लू की ड्राइंग बनाना। तो बच्चों को आपको सिखाना है तो उन्हें आप प्रोटेक्टर दे दीजिए, क्योंकि प्रोटेक्टर से उन्हें सहूलियत होगी बनाने में इग्लू। तो या तो आप प्रोटेक्टर से पूरा ही हाफ सर्कल बनाने को बोले उनको, या फिर यहाँ तक बोले छोड़ देने के लिए। ठीक है, यहाँ तक छोड़ देने को बोलिए। और अगर पूरा बना लेते हैं तो यहाँ से यहाँ पूरा बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक वह इरेज कर देंगे। ठीक है, इरेज कर देंगे उस, क्योंकि हमें वहाँ पर मेन डोर बनाना है घुसने के लिए, तो इसलिए फिर हमारा ऐसा बन जाएगा। अब हम इसका बनाने के लिए मेन डोर क्या करेंगे, अब एक लाइन खींचेंगे और इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ पर इस तरह से फिर हाफ सर्कल टाइप का बना देंगे इस तरह से। ये हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब हम लाइन खींचेंगे इस तरह से, लाइन फिर तिरछी लाइन खींचेंगे, स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। अंदर की तरफ हमें लाइन खींचनी होगी। जैसे हमारा ब्रिक्स रहता है ईट, वैसे ही हमें लाइन खींच के दे देनी है। अब यहाँ भी इसी तरह हमें स्लिपिंग लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन हो जाएगा, तो हमें स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन इस तरह से हम देखिए बना लेते हैं। इस तरह से ये जो लास्ट सिरा है वो हमें यहाँ इसके नीचे मिला देना है। अब हमें स्टैंडिंग लाइन बनानी है। ये दो बनाया, ये दो लाइन के बीच में फिर हम नीचे देते जाएंगे, देखिए। ठीक है, ये दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन के बीच में हम देते जाएंगे। ये इस तरह से, इस तरह से हमें स्टैंडिंग लाइन दे देनी है। दो लाइन के बीच में फिर एक लाइन, दो लाइन के बीच में फिर एक लाइन, इस तरह से हम लाइंस दे देंगे। यही तो मेन होता है इग्लू का, हमें इस तरह से देना होता है। जिस तरह से ब्रिक्स रखा रहता है उसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो सर्कल राउंड है ये इस तरह से हम अंदर की ओर करते जाएंगे, ताकि हमारा सर्कल पूरा राउंड जैसा ना लगे। ये देखिए इस तरह से किया और हल्का नीचे कर दिया, फिर इस तरह से किया थोड़ा नीचे कर दिया। इस तरह से हम पूरे में कर लेंगे, जिससे हमारे ये ना लगे कि प्रोटेक्टर से, या फिर मतलब इसी तरह हाफ सर्कल खींचा हुआ है। इस तरह से बनाते जाएंगे। ये इग्लू बन चुका है। इग्लू की स्पेलिंग क्या होती है बताइए? तो आई जी एल ओ ओ, इग्लू। ठीक है, आई जी एल ओ ओ या फिर डबल ओ, इग्लू। और इसके बारे में कुछ बता दूँ? चलिए बता देती हूँ। तो इग्लू इज़ अ हाउस मेड फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ आइस। ये बर्फ से बने होते हैं, आइस से बने होते हैं। ठीक है, और ये कोल्ड प्लेसेस में बनाए जाते हैं, जो ठंडे जगह होते हैं ना, तो वहाँ बनाए जाते हैं। इट इज़ बिल्ट इन वेरी कोल्ड प्लेस। ओके, और जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें हम एस्किमो कहते हैं। तो एस्किमोस लिव इन इट। ठीक है, ओके। और क्योंकि ये आइस से बने होते हैं, इसलिए इसका कलर भी वाइट ही रहेगा।
ठीक है, आप चाहे तो कोई भी कलर भर भी सकते हैं, पर इसका कलर वाइट ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इग्लू आइस से बने होते हैं ना, इसलिए। और हाँ, एक बात मुझे ये भी बतानी थी कि वो वैसे कोल्ड प्लेस में पाए जाते हैं ना, जहाँ स्नो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है, वैसे जगहों पर ये बनाए जाते हैं इग्लू। तो उम्मीद है दोस्तों, जो मैंने इग्लू के बारे में बताया है उसे आपने अच्छे से समझा होगा, और वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पेरेंट्स बच्चों को इस तरह से समझा सकते हैं, इग्लू के बारे में बता सकते हैं, बच्चे भी अच्छे से इग्लू बनाना सीख जाएंगे, खेल खेल में वो समझ भी जाएंगे कि इग्लू क्या होते हैं, और ड्राइंग करना भी सीख सकते हैं। ओके, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जो कि रेड कलर में नीचे बटन है उसे आपको प्रेस करना है, और फिर बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। ओके, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।